को पूरे देश में लोकसभा परिणाम आने वाले हैं, इसको देखते हुए राजनांदगांव लोकसभा में भी मतगणना की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, साथ ही इस जिले में 4 विधानसभा आती है, जिसके चलते जिला पंचायत कार्यालय में काउंटिंग के लिए प्रथम चरण की 3 दिवसीय ट्रेनिंग आयोजित की गई। आयोजित ट्रेनिंग प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि मतगणना के लिए सुपरवाइजर और माइक्रो ऑब्जर्वर की 3 दिवसीय ट्रेनिंग आयोजित की गई है। ट्रेनिंग में राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभाओं में हुए मतदान गणना के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ये राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभा का मतगणना यहाँ होगा। पूरे संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा है, जिसमें 2 विधानसभा का कवर्धा में होगा, 1 खैरागढ़ में होगा, 1 विधानसभा का मानपुर में होगा, मोहला में। तो जो राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभा है, उनके सुपरवाइजर्स की आज ट्रेनिंग जो है मतगणना से संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का ये प्रथम चक्र है, इसके बाद कल और परसों और भी माइक्रो ऑब्जर्वर्स और असिस्टेंट काउंटिंग स्टाफ जो है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस तरह से बहुत बारीकी से कि क्या चीज़ें देखी जानी है, किस तरह से हमें ये टेबल का डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उस आपके टेबल पे कौन कौन से बूथ की मशीनें आएंगी, वहाँ काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको दिखाएं, और उसके बाद फिर अपना मतदान का प्रोसेस, मतगणना का जो है प्रोसेस उसको स्टार्ट करेंगे। और बहुत सावधानी से जिस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं उसके समक्ष जो भी वहाँ पे पेपर्स होंगे उसमें उनका नाम होगा, ठीक उनके सामने लिखें, इस तरह की इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और ट्रेनिंग में क्या डिसिप्लिन रखना है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का वहाँ पर लाना नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताई जा रही है। कौन से विधानसभा में जाएंगे ये अभी नहीं पता लगेगा, ये लास्ट समय पे इनको पता लगेगा। कितने बजे आना है ना, वहाँ पे नाश्ते वगैरह की क्या व्यवस्था होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में आज इनको बताई जाए।